मकराना के निकट दिल ढाणी में 7 दिवसीय संगीतमयी श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा प्राचीन जोगेश्वर बालाजी मंदिर के कथावाचक पंडित पुरुषोत्तम दाधीची के सानिध्य में रवाना होकर मुख्य मार्गों से होती हुई 4 भुजानाथ मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पीत वस्त्र पहनकर व सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। इससे पूर्व कथास्थल पर हवन पूजन किया गया। कथा का शुभारंभ करते हुए कथावाचक पंडित पुरुषोत्तम दाधीच महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है इसे सुनने मात्र से वहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन और व्यवहार में धारण करें। श्रीमद् भागवत कथा के सामने से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। जांगड़ी व प्रकोष्ठ नागौर के मीडिया प्रभारी नटवरलाल जांगड़ी ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से 4 बजे तक चलेगी। व्यासपीठ से पंडित पुरुषोत्तम दाधीची कथा प्रवचन करेंगे। कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य यजमान ठाकुर किशोर सिंह, भैरूलाल तिवाड़ी, रामविलास, कायम सिंह, भवर सिंह, सरपंच नरेंद्र सिंह, शयोदान गुजर, रामू राम, प्रजापत, धन सिंह, दहिया मुरलीधर, सोनी, समंदर सिंह आदि मौजूद थे। नाम अपनी वाणी से नहीं लेना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। अपने स्वामी का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर लिए तो क्या होता है? धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसा करने से आयु, अपने स्वामी की आयु और प्रतिष्ठा ये कम होती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। गुरु का नाम उच्चारण भी गुरु महाराज की अगर आज्ञा हो तो ही लेना चाहिए। गुरु का नाम भी आजकल तो प्रत्येक आदमी बता देता माँ कृपे पूछिए बे पूछिए, पहले गुरु महाराज सो नाम को उच्चारण। जो गुरु अनेक बना सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। आपत्ति विपत्ति में उन्हीं के पास जाएं, उन्हीं से परामर्श लें और उनकी आज्ञा से ही कोई कार्य करना चाहिए, ऐसा है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने गुरु का नाम स्पष्ट रूप से श्री राधा जी का नाम सुखदेव जी ने कहीं पर भी नामोल्लेखन नहीं किया। इसी प्रकार श्री रामचंद्र मानस में भी संत तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम जी को अपना गुरु माना तो कहीं पर भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया श्री राम को, उन्होंने भी ऐसे ही प्रणाम किया है। वंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप धरी महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनि कर सियावर राम चंद्र शंकर हरि। देखिए एक बार पुनर हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है ग्राम दिलदानी के सभी श्रोताओं से, सभी भक्तगणों से, सभी माताओं बहनों से कि आज बड़ी सुंदर कृपा आप अपने गांव पे और हमारे ऊपर, आपके और हमारे पे बड़ी सुंदर कृपा हुई है 4 भुजानाथ की। कथाएं तो कलयुग में बहुत होती है पर शायद कहते हैं कि कथा करने वाले आते हैं वहाँ सुनने वाले श्रोता वैसे नहीं रहते हैं, और श्रोता अगर सुनने के लायक है तो वहाँ पे नृत्य गायन वादन ये भी होना जरूरी है। गायन वादन और नृत्य तीनों कथा के अंग है, तीनों कथा के अंग है। आजकल क्या करते हैं लोग, आजकल केवल हर एक 10 मिनट में नचाना